स्टार्ट। राष्ट्रपति के रूप में आंध्र प्रदेश की अपनी पहली यात्रा के दौरान आपके आमंत्रण और स्नेहपूर्ण अतिथि सत्कार के लिए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिश्चंदन जी, मुख्यमंत्री श्री वाईएस जगमोहन रेड्डी जी और आंध्र प्रदेश के लगभग 5 करोड़ निवासियों को मैं धन्यवाद देती हूँ। तिरुमला तिरुपति से सभी देशवासियों को आशीर्वाद देने वाले भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी की पवित्र धरती पर आने को मैं अपना परम सौभाग्य मानती हूँ। कल मैं तिरुपति मंदिर में श्री बालाजी से सभी देशवासियों के कल्याण हेतु प्रार्थना करूँगी और मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। विजयवाड़ा के इस क्षेत्र को देवी कनक दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। गोदावरी कृष्णा पेन्नार वंशधारा और नागावली जैसी नदियों ने आंध्र की धरती को सिंचित किया है और यहाँ की समृद्ध परंपराओं को प्राण शक्ति प्रदान की है। हम सभी देशवासियों को अपनी नदी माताओं की स्वच्छता और संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहना है। महान बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के नाम पर नागार्जुन सागर परियोजना का विकास प्रगति को विरासत से जोड़े रखने का बहुत अच्छा उदाहरण है। नागार्जुन कोंडा और अमरावती में भारत की आध्यात्मिक विविधता का परिचय तो मिलता ही है, साथ ही हमारे देश की श्रेष्ठ कला परंपरा का दर्शन भी होता है। विजयवाड़ा के निकट ही स्थित कुचिपुड़ी गांव से भारत की एक महान नृत्य कला विकसित हुई और उस गांव का नाम हमारी सांस्कृतिक परंपरा में सदा के लिए अंकित हो गया है। तेलुगु भाषा और साहित्य की समृद्ध परंपरा से अब सभी देशवासी परिचित हैं। देश भाषा लंदु तेलुगु लेस्सा अर्थात देश की सभी भाषाओं में तेलुगु श्रेष्ठ है। इस अभिव्यक्ति में भारतीय भाषाओं के प्रति गर्व की भावना निहित है। कवि त्रयम यानी नन्या तिकन्ना एरन्ना ने भारतीय भाषाओं की अद्भुत अभिव्यक्ति क्षमता का उदाहरण सदियों पहले प्रस्तुत किया। भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठता को फिर से स्थापित करने की यही भावना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी परिलक्षित होती है। आंध्र प्रदेश के इस धरती की महान सुपुत्री और पूरे भारत का गौरव बढ़ाने वाली कवित्री मोल्ला का मैं विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ। आज से लगभग 550 वर्ष पहले के रूढ़वादी समाज में पैदा हुई मोल्ला ने एक अद्भुत महाकाव्य रचा जिसे मोल्ला रामायण के नाम से भारतीय साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त है। महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की दृष्टि से आंध्र प्रदेश अनुकरणीय राज्यों में से एक है। प्रसिद्ध नाटककार और समाज सुधारक गुरुजाला अप्पा राव द्वारा लगभग 130 वर्ष पहले
लिखा गया कन्या शुल्कम नाटक आज भी लोकप्रिय है। आंध्र प्रदेश में जन्म लेने वाली दुर्गाबाई देशमुख ने आज से लगभग 100 वर्ष पहले महिलाओं की उन्नति तथा स्वाधीनता संग्राम में उनकी भागीदारी के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना की तथा समाज कल्याण के बहुत से कार्य किए। दुर्गाबाई देशमुख से भी पहले आंध्र की बहू सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में अग्रणी भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें कारावास का दंड दिया गया। स्वाधीन भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश में कार्यभार संभाला था। जब मुझे झारखंड के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी सौंपी गई तो मैं पूरी विनम्रता से यह बात हमेशा याद रखती थी कि सरोजनी नायडू जैसी महान महिलाओं ने जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं उनके अनुसार साहसपूर्वक कार्य करना तथा जनसेवा में लगे रहना ही देश की सेवा करने का सही रास्ता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के इस ऐतिहासिक दौर में सभी देशवासी यह याद करते हैं कि हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम में आंध्र के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इस वर्ष मणियम सीताराम राजू गावरू की 125वीं जयंती भी मनाई जा रही है। केवल 27 वर्ष की अल्पायु में भारत माता के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू गारू और 25 वर्ष की अल्पायु में वीरगति को प्राप्त होने वाले भगवान बिरसा मुंडा जैसी विभूतियों ने भारत के स्वाधीनता संग्राम को जो योगदान दिया उसके विषय में हमारी युवा पीढ़ी को भलीभांति परिचित होना चाहिए। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि अल्लूरी सीताराम राजू मेमोरियल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने तथा देश भर में जनजातीय महानायकों की स्मृति में संग्रहालय और इतिवृत्त का निर्माण करने के ऐतिहासिक निर्णयों के लिए सभी देशवासियों की ओर से मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए आंध्र प्रदेश के निवासियों को विशेष गर्व का अनुभव होता होगा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा को आंध्र के ही पिंगली वेंकैया जी ने इतना सुंदर स्वरूप प्रदान किया। अमृतकाल में आधुनिक प्रगति की यात्रा में आगे बढ़ते हुए सभी देशवासी यह याद रखते हैं कि भारत में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में आंध्र प्रदेश की अग्रणी भूमिका रही है। देश की युवा पीढ़ी को आज से ठीक 100 वर्ष पहले सन 1922 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जाकर अध्ययन करने तथा फार्मेसी और जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देने वाले डॉक्टर सुब्बा राव के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।